हमें अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना है। खानेवाल के गांव नानकपुर की 5 सहेलियों ने अपनी मदद आप के तहत गांव के बच्चों को दीनी, दुनियावी और स्पोर्ट्स की तालीम देने लग पड़ी। ये जज्बा क्यों कर इनमें पैदा हुआ, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। इतना बड़ा स्टेप आप लोगों ने लिया, ये स्टेप आप लोगों ने कैसे लिया और कब लिया? हम एक दिन पांचों कज़न मिलकर हम बैठे हुए थे, हमने प्लान बनाया कि हमारा गांव तालीम से बहुत पीछे है, तो हमने सोचा कि हम बच्चों को तालीम देने के लिए हमने ये प्लान बनाया और फिर अब हमने अपने काम स्टार्ट कर दिया। आप लोगों ने जब ये प्लान बनाया तो प्लान के बाद जब आप लोगों ने अपनी फैमिली में डिस्कस किया कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, तो आपकी फैमिली ने क्या रिस्पॉन्स दिया? सबसे पहले तो सबने कहा कि आप रहने दे, छोड़े बिला वजह अपना, बस अपनी स्टडी कंटिन्यू करें, ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर हमने ज़िद की, मतलब हमने अपने काम को सीरियस लिया, फिर हमने अपने मदर्स को मनाया, फिर उन्होंने आगे हमारे फादर्स के साथ डिस्कस किया, फिर हम लोग का प्लान हो गया। पेरेंट्स को एग्री कर लिया, आप लोगों ने काम शुरू किया। असल तो आपका एसेट थे बच्चे, तो बच्चों ने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया? फर्स्ट डे तो हम लोग के साथ ये था कि मतलब कोई भी बच्चा नहीं था और हम लोग फारिग बैठे और आपस में डिस्कस किया और चले गए। सेकंड डे भी हमारे साथ सेम सिचुएशन थी, लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़नी, हम लोगों ने अपना काम करना है, जो हमने डट लिया है हमने उस काम पे डट के रहना है, अब हम इस काम से पीछे नहीं हटेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब लोगों ने बहुत डिग्रेड भी किया, नेगेटिव कमेंट भी किए, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, हमने अपने नानकपुर को एक तालीमी निज़ाम में आगे करना है कि यहाँ पर कोई भी बच्चा अनपढ़ या जाहिल ना रह जाए, सब तालीम के मैदान में आगे हों। इसलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह आज हम कह सकते हैं कि हम भी उस्ताद के मुकाम पर पहुँचने वाले हैं या पहुँच चुके हैं। अक्सर आप जैसी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में कैंटीनों पे अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं, तो आप लोगों ने वो सिस्टम छोड़ के अपनी पॉकेट मनी से कैसे सेविंग करके आप लोग इस तरफ आए? हम लोग जाते थे यूनिवर्सिटी, हम फ्रेंड्स के साथ कैंटीन पे जाते थे, लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम कैंटीन से थोड़ा सा दूर हट जाएं और अपने पॉकेट मनी जो है उसे सेव रख के अपने बच्चों के लिए कुछ इनको बाय करके दें चीज़ें अकेडमी के लिए। तो जब आप लोगों ने पॉकेट मनी कलेक्ट करना शुरू की तो उसको क्या पर डे पे जो इकट्ठा होता था वही यूज़ करते थे या आप लोग उसको इकट्ठा करते थे, फिर प्लान बनाते थे, कैसे करते थे? नहीं, हम लोग पहले प्लान बनाते थे कि किस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर हम वो बच्चों को वो चीज़ें लेकर देते थे। आयशा, आप लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं कैसे पढ़ाते हैं? किसी बच्चे को पकड़ के किसी ने पढ़ा दिया या कोई पढ़ाने का आपको प्लान बनाया हुआ? नहीं, हम लोगों ने 5 टीचर्स हैं, तो हम लोगों ने सब्जेक्ट डिवाइड किए हुए हैं कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ाना है तो आपने ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, ताकि बच्चों के लिए भी इजी रहे, हमारे लिए भी इजी रहे। अगर कोई टीचर छुट्टी भी करती है तो हमें पता हो कौन से बच्चे की क्या कंडीशन है, कौन से बच्चे की क्या कंडीशन है, इसलिए हमने सब्जेक्ट डिवाइड किए हुए हैं। अच्छा, चलिए, आप बच्चों को तो आपने डिवाइड कर लिया। आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और बड़ी हैवी क्लासेस होती है, आपका जो है ना सिलेबस बड़ा टफ होता है, तो आप लोग किस वक्त पढ़ते हैं? जिस टाइम हमने खुद पढ़ना होता है वो हम अपने एकेडमी के बच्चों को टाइम देते हैं, और जो हमारा सोने का टाइम होता है उसमें हम अपनी स्टडी करते हैं ताकि हम अपना भी कवर कर सकें। ईशा, कोई भी काम हो यकीनन उसमें मसाइल होते हैं, ये वो काम था जिसमें मसाइल का अंबार था, तो आप लोगों को सबसे मुश्किल इसमें कौन सी पेश आई? सर, इसमें मुश्किल ये थी कि पहले हमारे पेरेंट्स, जब हमने पेरेंट्स से बात की तो हमारे पेरेंट्स ने पहली बात ये की थी कि बेटा आप लोग खुद पढ़ते हो, आप लोग कैसे मैनेज करोगे, लेकिन हमने उनसे ये कहा कि आप हमें सिर्फ थोड़ा सा टाइम दें, हम अपनी स्टडी को भी मैनेज करेंगे, हम बच्चों को भी पढ़ाएंगे, ताकि इधर से कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रह जाए, मतलब कि जो हमें मुश्किलात पढ़ते वक्त पेश आई वो किसी दूसरे बच्चे को पेश ना आए। तो इसमें हमें बहुत सारे लोगों ने भी डिग्रेड किया, लेकिन हमने उनकी बातों को इग्नोर करके हम अपने एम पे डटे रहे। मलाइका, आपके सिस्टम में आपको जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है वो है बिल्डिंग, आपने जहाँ बच्चों को पढ़ाया। अब ये आप लोगों को जो जगह मिली हुई है इस पर आप लोग कैसे पहुँचे? सर, सबसे पहले तो हमारे साथ ये हुआ कि मतलब किसी ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, हम लोग अपने घरों में बैठ के मतलब खुद पढ़ाते रहे बच्चों को। लेकिन आपको पता है कि फैमिलीज़ में अपने थोड़े इश्यूज़ होते हैं तो पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने मैनेज किया। जब लोगों ने मतलब हमारी प्रोग्रेस देखी तो उन्होंने फिर हमें ये एक मदरसा है, मतलब आंटी हमारी रिलेटिव भी हैं, ये इसका तो लिबनात है मदरसा, उन्होंने हमें जगह दी कि चलें आप एक अच्छा काम कर रही हैं, तालीम को आम कर रही हैं, तो क्यों ना मैं आपको ये जगह दूँ। तो इसलिए लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए हमें ये जगह दी और लड़कों के लिए हमें एक और हमारे रिलेटिव हैं उन्होंने हमें बच्चों के लिए जगह दी। हीरा, आप लोग बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ क्या दीनी तालीम पर भी फोकस किया हुआ या सिर्फ मैथ, रियाज, इंग्लिश ही पढ़ा कर? जी सर, अल्लाह का शुक्र है, बच्चे 4 बजे, पढ़ाई का टाइम 4 बजे स्टार्ट होता है, हम उनसे पहले नमाज उनको पढ़ाते हैं, फिर हम कुरान पाक का उनको सबक देते हैं तो वो हमें याद करके सुनाते हैं। जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि बच्चों ने याद कर लिया है, अच्छे तरीके से हमें सबक सुना दिया है, फिर हम दुनियावी तालीम की तरफ आ जाते हैं। मलाइका, पाँचों की एक जैसा ड्रेस है, क्या वजह? कहीं से इकट्ठा कपड़ा चोरी किया है या आप लोगों का ये यूनिफॉर्म है, क्या वजह है? नहीं सर, असल में ना एक्चुअली हम लोग फ्रेंड्स भी हैं और यूनिवर्सिटी में भी इकट्ठे जाते हैं और यहाँ पर हम लोग कोलीग्स भी हैं, तो इसलिए हम लोगों ने में बड़ा इत्तेफाक है, बहुत यूनिटी है, तो इसलिए क्यों हमने सोचा कि क्यों ना हम मतलब सेम ड्रेसिंग करके वहाँ जाया करें, मतलब ना मतलब किसी को किसी में फ़र्क लगे, बच्चे ये ना समझे कि ये टीचर ज़्यादा अच्छी है, ये टीचर ज़्यादा अच्छी है, इसलिए हमने सब ये रखा कि एक ही जैसा पहन के जाएं। और हमारा आगे भी यही प्लान है कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह कि हम अपनी अकेडमी के बच्चों का भी यूनिफॉर्म रखेंगे। इशा, फ्यूचर प्लान क्या है? क्या आपने इसी को कंटिन्यू रखना है या इसको बस कुछ अरसे के बाद क्लोज? नहीं सर, हमारा तो प्लान इंशाल्लाह यही है कि हम इसको कंटिन्यू रखें रहती ज़िंदगी तक, लेकिन आपको पता है कि लड़कियों ने एक दिन अपने घर जाना होता है। अगर तो हम इस गांव में रहे तो इंशाल्लाह ये काम हमेशा कायम दायम रहेगा, लेकिन अगर हम किसी और जगह भी जाते हैं तो हम इधर पीछे ऐसे स्टूडेंट छोड़ के जाएंगे कि वो इस काम को जारी रख सकें, ताकि ये हमारा नाम एक बना रहे, इसको कोई जुटला ना सके। और हम अपने स्टूडेंट्स को इस काबिल बना रहे हैं कि वो इस पीछे से ये काम चला सके। हीरा, आप लोग जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को सिर्फ तालीम तक रखा हुआ है या एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करवाते हैं उसे? जी सर, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत शौक़ से, हमने 14 अगस्त का फंक्शन करवाया था, बहुत शौक़ से उन लोगों ने उसमें हिस्सा भी, पार्टिसिपेट भी किया है। कोई बच्चा टीचर बना था, कोई आर्मी में, कोई नेवी में, कोई पायलट बना था, तो बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से उनको किया। हमने किसी से कोई एक्सपेंस नहीं लिया था, हमने अपने बलपोते पे वो फंक्शन, जो आपने फंक्शन करवाया था वो आप लोगों ने इधर देहात में करवाया था या कहीं बाहर? जी सर, हमने अपने गांव में, अपनी गली में ही करवाया था, जहां हम हमारी एकेडमी है उसके सामने। अच्छा, मैं जब यहाँ पे आया तो मोहल्ले से मुझे जो मालूमात मिली कि आपके बच्चे बड़े शरारती थे, तो सुना है उनमें अब तब्दीली आ गई है, तो ऐसी क्या ख़ास बात है? असल में इन बच्चियों का जो है वो पढ़ाने का तरीका और इनको गाइड करने का तरीका बहुत अच्छा है। इन्होंने बच्चों को इतने अच्छे तरीके से गाइड किया है, उनको समझाया है, उनको दीन की बातें भी बताई हैं, तो बच्चा माशाल्लाह से अब नमाज भी पढ़ता है और मेरा कहना भी मानता है और पढ़ाई में भी अच्छा हो गया है, रेगुलर हो गया है। पहले खेल कूद में ज़्यादा मसरूफ़ रहता था, तो अब जो है वो इनका कहना मानता है और उसके मुताबिक चलता है, ज़्यादा वक्त पढ़ाई को देता है। अच्छा, इन बच्चियों को आप जैसे पेरेंट्स की बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करेंगे, यकीनन ये एक मकाम पे जाएंगी, तो आप लोग इनको सपोर्ट करेंगे या बस कहेंगे इन्होंने जो कर लिया वो बहुत है? नहीं, हम इनको सपोर्ट करते हैं। जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं, जो मोहल्ले की दोस्तें हैं, औरतें हैं, उनको हम बताते हैं कि हमारा बच्चा इस अकेडमी में आया है तो उसमें ये तब्दीली आई है, फ़र्क आया है, बच्चा पढ़ाई की तरफ तवज्जो देने लग गया है और उसमें मतलब अच्छा तरीक़ाकार उसके अंदर है, नमाज भी पढ़ता है, कुरान की भी तालीम हासिल करता है और दीन के हिसाब से भी चलता है और बाकी खेल कूद में भी ज़्यादा टाइम नहीं देता, पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो देता है। तो मैं दूसरी औरतों को बताती हूँ, इससे उन पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो अपने बच्चों को इधर अकेडमी में लेके आती हैं। के महल्ले में बच्चियों ने दुनियावी तालीम के साथ दीन की तालीम पर भी फोकस किया। आप मौजूद इलाका है तो आप बताएँ, यहाँ पर बच्चियों ने ये जो तब्दीली लाई है वो कैसी हुई है? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इन बच्चियों ने, ये बच्चियाँ तो सबसे पहले ये कि ये ख़ुद स्टूडेंट थी और उसके बाद इनको शौक़ पैदा हुआ कि हम अपनी तालीम को आम करें और दुनियावी तालीम के साथ साथ इन्होंने दीनी तालीम पर भी फोकस किया और तमाम तर बच्चे माशाल्लाह से अच्छा पढ़ते हैं और दीनी तालीम भी यहाँ पे दी जाती है और साथ साथ ये दुनियावी तालीम भी देती हैं और गांव में काफ़ी अवेयरनेस हो रही है इनकी वजह से। माशाल्लाह से हम बहुत खुश हैं कि बच्चियाँ इतना जो मेहनत कर रही हैं, प्राउड है इन पे हमें और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं।